तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हमारा फोर्थ, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन, हलवा बोल सकते हैं। हमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड 3 to the power 3, 4 to the power 3, 5 to the power 3 एंड गिवेन द आंसर इन क्यूब। आंसर को क्यूब के फॉर्म में ही छोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसी गलती आप नहीं करना, 3, 4 और 5 लिख करके प्लस में और होल ओपन 3 नहीं डालना। वो मल्टीप्लाई का होता है तो होता है, ये एडिशन का बात हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे में करेंगे। 3 to the power 3 प्लस 4 to the power 3 और प्लस 5 to the power 3 है, ठीक है। इसको आप सिंपल सा क्लास, जिस क्लास के अकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग की सोचिए ना। 3 to the power 3 यानी कि आ जाएगा 27, प्लस 4 to the power 3 यानी कि आ जाएगा 64, और 5 to the power 3 यानी कि आ जाएगा 125। ये सभी को ऐड कीजिए, 5, 4, 9 और 9 और 7 16, आ गया 1। 6 और 2 8, 8 और 2 10 1 11, और 1 बचा, यानी 216 आ गया। अब इसको आप लोग ऐसे करके तोड़ लीजिए, बड़े आसानी से तोड़ लीजिए। 2 से, हाँ 2 से लगाइएगा 1 0 8, 2 से लगाइएगा 54 आएगा, 2 से लगाइएगा 27 आएगा, 3 से लगाइएगा 9 आएगा, और 3 से लगाइएगा 3 आएगा। क्या बोल रहा है, पावर को हमेशा क्यूब में रखना है, 3 में रखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ से भेजा लगाइए। 2 और 3 मल्टी, देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाई होके 6, 2 3 मल्टीप्लाई होके 6, 2 3 मल्टीप्लाई होके 6, यानी बोल सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 3 टाइम्स, यानी 6 to the power cube, और यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है।